इफेक्ट्स प्रो 3, इसमें हम जूम एंड रोटेट ब्लर इसको यूज़ करेंगे और देखेंगे क्या कुछ करता है। ठीक है, बेसिकली तो ये यूज़ होता है मोशन ब्लर के लिए और मुख्तलिफ इफेक्ट्स में, और इसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं इसी से मिलता जुलता जो है वो फोटोशॉप का अपना प्लगइन भी है, लेकिन ये ज़्यादा उससे थोड़ा सा बेहतर है, कुछ चीज़ें इसमें ज़्यादा अच्छी हैं और ये देखें इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि इसमें काफ़ी लाइट्स और इन चीज़ों को भी कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए ये उससे काफ़ी बेहतर है। ठीक है, और इसमें हम जो भी इसके पॉइंट्स हैं सबको चेक करेंगे, सैचुरेशन, कंट्रास्ट, ठीक है, डिटेल ठीक हो गया, और ये लाइट्स, इसको हम यहाँ से हम लाइट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जितने मर्जी हम पॉइंट्स बनाएं, ये यहाँ से ऐसे डिलीट होगा डिलीट के बटन से, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ऐड भी हो जाएगा और ये डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें कंट्रोल पॉइंट्स, यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे और 7+ का निशान है, इसको हम यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा भी हो जाएगा, ब्राइटनेस कंट्रोल, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, ठीक है, देखिए ये ज़्यादा हो गया, हाँ ये ठीक है। प्रोसेसिंग, अप्लाई इमेज, सेव हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, देखें बिफोर एंड आफ्टर,